आंदोलन के प्रेरक सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, नगर पालिका बलिया के पूर्व चेयरमैन आदरणीय लक्ष्मण जी और समस्त हम इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए सभी सहभागी हमारे सभी प्रिय लोगों, सम्मानित लोगों, प्रिय नौजवान साथियों, बंधुओं, हमेशा समाज की रक्षा चूड़ी पहनने वाले लोग नहीं करते, हमेशा हथकड़ी को स्वीकार करने वाले लोग ही करते हैं। इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया की स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां पर केवल पत्रकार ही शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहां का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। यदि तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ, तुम्हारे पत्रकार किसी मित्र के साथ इस तरह की बात हुई होती तो तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, ये अधिकारी है कि धिकारी है, ये स्वयं उसका निर्णय स्वयं वो कर सकता है। मैं तो समझ रहा हूं कि धिकारी है, अधिकारी नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों, मैं तो अनुभव ये कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा शाह भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ का संविधान चल रहा है। जो अधिकारी चाहे वही संविधान है, ये मनमानी ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और बंधुओं, किसी की भी न प्रतिष्ठा सुरक्षित है, न किसी की निष्ठा सुरक्षित है। पुलिस वाले जो है अपराधी को संत बना देंगे, संत को अपराधी बना देंगे। ऐसी स्थिति जहां समाज में पैदा हो गई हो, वहां पर संविधान और इंसान का रक्षा करना इतना आसान काम नहीं हो जाता है। लेकिन ये बलिया की धरती है, बलिया हमेशा हमेशा जुल्म और अत्याचार का विरोध किया है और इसका शुरुआत भी लगता है कि परमात्मा ने फिर भारत की धरती में बलिया से ही करने जा रहा है। और इसका शुरुआत भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, व्यवसायी जनता पार्टी हो गया है। अदानी और अंबानी के माध्यम से केंद्रित होने वाली पार्टियों को व्यवसायी जनता पार्टी कह सकते हैं। इसलिए भाइयों, आज संविधान न सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है। मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि इंसान और संविधान की रक्षा करना है तो स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम अब कोई प्रतिनिधि नहीं कर सकता। प्रतिनिधि इसलिए नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि स्वयं भ्रष्ट है। प्रतिनिधि जो है सत्य बोलने का जिसमें साहस नहीं होगा, वो कभी समाज की रक्षा करने की हैसियत में नहीं होता। आज सत्य को स्वीकारना और सत्य को बोलना राजनीति के लिए सबसे बड़ा अयोग्यता बना गया। इसलिए लेकिन भाइयों, हमेशा ईश्वरीय सत्ता हमेशा सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।